यार लोग कहते हैं अगर भारत में आपको बिजनेस करना है तो आपको गाड़ी को सस्ते में बेचना पड़ेगा या कम प्राइस में बेचना पड़ेगा। मतलब अगर मार्केट में कोई चीज़ मान लो कि 100 रुपये में बिक रही है और अगर आपको मार्केट में नई चीज़ उतारनी है तो आपको 95 में 92 में बेचना पड़ेगा, मतलब टेक्निकली डाउनग्रेड करके। चाहे क्वालिटी अच्छी हो बुरी हो पहले मार्केट बनाओ उसके बाद काम करो। इन्होंने ऐसा किया ही नहीं। 2013 में आए भारत में, 10 साल हो गए, 10 साल का उन्होंने जश्न भी मनाया अभी चेन्नई में AR रहमान को बुला के। बट ये गाड़ियों को सस्ता प्लेस करने में बिलीव नहीं करते, सिर्फ क्वालिटी में बिलीव करते हैं। जो एक बार भारत बेंज ले लेता है वो भारत बेंज लेते रहता है, और जो भारत बेंज नहीं लेता वो इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो भारत बेंज तक कभी आया ही नहीं होता है, उसने कभी गाड़ी ट्राई नहीं करी होती, या उसके मन में डर होता है कि जर्मन गाड़ी है या फिर विदेशी गाड़ी है। बट ऐसा नहीं है। मर्सिडीज बेंज या डायमलर ने क्या किया, जब भाई भारत के लिए गाड़ी निकाली, अलग से गाड़ी निकाली, तो नाम रख दिया भारत बेंज। तो टेक्निकली पेरेंट कंपनी है, सबकी सेम है। मतलब जैसे भाई बाकी कंपनियों की पेरेंट कंपनी सेम होती है, वही वाली कहानी है। अब बात आती है कि यार जैसे आजकल तो मार्केट में बड़ा ट्रेंड चल रहा है ऑटोमोबाइल ले जाने के लिए, मतलब भाई मुझे अगर कार है ट्रांसपोर्ट करनी कुछ करना है तो 6 चक्के वाला घोड़ा ले लूँ। बट जनरली क्या होता था, हम 10 चक्के वाले घोड़े को जानते थे। हमारा 55 जब हमारा प्राइमर 4928 आया था या 280 HP का जब प्राइमर टाटा ने लॉन्च किया था तब भी हमें क्या मिला था, हमें एक 10 चक्के वाला ट्रैक्टर मिला था या घोड़ा मिला था। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब 2 इंजन के साथ, मतलब 2 HP की रेंज में ये घोड़ा निकाला है। एक आपका 320 HP है, एक आपका 280 HP, सारे BS6 Phase 2 वाली गाड़ियाँ हैं। अब ये गाड़ी खरीदनी है नहीं खरीदनी है, क्या जो लोग कहते हैं कि इस घोड़े को पालना महंगा है, हाथी को पालना महंगा है, वो क्या बात सही है नहीं है, सारी बातें करेंगे। अच्छी है गाड़ी, बुरी है, क्या आपको मतलब जेन्युइनली भारत बेंज तक एक बार आना चाहिए, या फिर वो अपना जो सिग्ना बिक रहा है 55-30 बहुत ज़्यादा वहीं आप सटल हो सकते हो, उस सबके बारे में जानकारी मिलेगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, पूरा देख लेना, मज़ा आ जाएगा आपको देखने के बाद, और एक ओपिनियन फॉर्म कर पाओगे आप कि भाई खरीदना है नहीं खरीदना है। सारे नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स इस वीडियो में मिलने वाले। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स। चलो भाई इसको पहले मैं घूम कर दिखाता हूँ चारों तरफ, फिर केबिन दिखा दूंगा क्योंकि पावर विंडोज वगैरह से लेकर सारी लग्जरीज इसके अंदर है, AC वगैरह केबिन आता है, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या अच्छा है और बुरा है। जब गाड़ी आई थी ना मार्केट में तब इनका डिज़ाइन ऐसा नहीं आता, तब भी लोग कहते थे कि यार गाड़ी बहुत सुंदर है। वो जो आपको गाड़ी दिख रही है ना ऐसा डिज़ाइन आता था इनका शुरू में। उस डिज़ाइन के बाद जब इन्होंने अपडेट कर दिया, जब BS6 में गाड़ी आई, क्योंकि इनकी गाड़ी शुरू से ही BS4 थी, तो ये वाला डिज़ाइन डाल दिया। भैया कमाल का डिज़ाइन है, ये वाली जो ग्रिल है वो खुल जाती है, अंदर की तरफ काफ़ी सारे आपको बेसिक चेक्स मिल जाते हैं। भारत बेंज बहुत ही बढ़िया लगा। आपने देखा होगा जैसे जनरली गाड़ी आ रही है, मैग्नाइट आ रही है, सफारी आ रही है, हैरियर आ रही है, उनमें क्या हो रहा है, उनमें क्या हो रहा है कि उनमें ऐसे ही लिखा हुआ है बड़ी बड़ी फॉन्ट्स में, वो वैसे लिखने का काम चला गया कि वो एक छोटा सा बाजू में लिख दिया, तो ये पहले ही मॉडर्न हो गए। मतलब ये अपने वक्त से आगे चलते, ज़्यादा तारीफ नहीं कर रहा हूँ भाई, पैसे तो मिले नहीं मुझे, ये फ्री वीडियो भाई जिसमें सारा पैसा तेल खर्चा सारी चीज़ें वो मेरी जेब से लगी है, तो इसमें कोई फेवर नहीं लिया हुआ है। ऊपर की तरफ जो मतलब विंडशील्ड वगैरह है वो बहुत बढ़िया अच्छा, एक्चुअली ये टिंटेड आती है, मतलब इसमें ना धूप इतनी आसानी से पेनिट्रेट नहीं करेगी, यूवी रेडिएशन इतने जल्दी नहीं जाएंगी, वो एक आपको फ़ायदा होने वाला है। ऊपर की तरफ सनवाइज़र किसी ने नहीं दिया था, इन्होंने दे रखा है, क्योंकि इनको वो कॉस्ट कटिंग वाला फैक्टर इनके साथ कभी नहीं रहा, क्योंकि जनरली कंपनियां ओमिट कर सकती है भाई, क्या बाकी कंपनियां लगा नहीं सकती, बिल्कुल लगा सकती भाई, क्या दिक्कत है, बट इनके साथ वो कॉस्ट कटिंग वाला नहीं रहा। इनको पता है कि हमारा जो कस्टमर है ना वो प्रीमियम कस्टमर है, जो बंदा मर्सिडीज़ खरीदता है उसको वो छोटे छोटे फीचर्स की परवाह नहीं होती, उसको पता है कि ऑलरेडी कंपनी ने सब कुछ दे रखा है, वो जाएगा बिल कराएगा बात करता हूँ, ये वाला कहानी यहाँ पे। अच्छा सामने की तरफ जो है ना यहाँ पे भी आप ग्रिल वगैरह देखो, ये थोड़ा फाइबर वाला पार्ट है और वो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बाकी जो बम्पर पार्ट है वो पूरा का पूरा मेटल का है, हालांकि 3 पीस में बम्पर आता है, यहाँ से आप देखो ये सारे बोर्ड खुल जाते हैं। अब इन लैम्प्स के साथ में एक हैक है, पहले अगर आपने भारत बेंज के लैम्प देखे होंगे तो 2 छोटे छोटे हैलोजन लैम्प आते थे, साइड में DRL आते थे, अब यहाँ पे काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जब आप नई वाले गाड़ी को देखो यहाँ पे ऊपर DRL आते हैं, इंडिकेटर है, और यहाँ पे सिंगल हैलोजन हेडलैम्प है। अब मेरे हिसाब से सिंगल हैलोजन हेडलैम्प्स को इनको थोड़ा बदल के थोड़े से डबल हैलोजन हेडलैम्प देने चाहिए, या कहीं एक जगह और दे दो, मतलब ऊपर की तरफ। टाटा में देखा ना, टाटा के शो में कैसा होता है, यहाँ लाइट आती है वहाँ लाइट आती है, इसमें वो चीज़ नहीं आती, वो मुझे थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ पैनिक ही करता है, क्योंकि इसमें जगह नहीं है लगाने की, फिर लोग अंदर से चेसिस बेल्ट कराएंगे, नीचे की तरफ से लगाएंगे, अब इसकी जगह जहाँ फॉग लैम्प की, मतलब हाइट प्लेसमेंट थोड़ा सा आपको लगेगा ना। जैसे मान लो मैं इतना ट्रेलर लेकर रात को चल रहा हूँ, हाईवे पे चल रहा हूँ, भारतीय सड़कें 2 लाइट से काम नहीं चलता, सरल सी बात है, अगर आप गाड़ी चलाओगे तो लगेगा, थोड़ा सा इसमें वो आपको सुधार की गुंजाइश है। भारत वालों को इस पर कॉग्निजेंस लेना चाहिए। बाकी यहाँ पे Bharat 6 लिखा हुआ है, पहले ना ये प्लस नहीं आता था, प्लस क्यों आया, जी OBD port 2 हो गया, RD2 कंप्लाइंट गाड़ियाँ हो गई, वो सारी चीज़ें। एस्थेटिकली ज़्यादा कुछ नहीं बदला, ये आपका वाइडिंगर मिरर है, पीछे का रियर व्यू मिरर है, और सामने की तरफ फ्रंट प्रॉक्सिमिटी मिरर वहाँ लगने को मिलता है। इस गाड़ी में और भी काफ़ी सारी चीज़ लिखते हैं, जैसे ये वाला जो डोर हैंडल है वो आपको काफ़ी बढ़िया लगेगा। एक्चुअली ना ये काफ़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जो है फॉलो करता है। अब यहाँ से केबिन के बारे में अंदर की चीज़ें बताऊंगा, बट एक देखो जैसे डोर खोलते हो ना जल्दी नहीं, तो डोर वाइड खुलता है ऑलमोस्ट 90 डिग्री, बट यहाँ पे एक ये सेफ्टी लैम्प दिख जाएगा आपको, जिससे क्या होता है पीछे से कोई गाड़ी आ रही है अगर डोर खुला हुआ है यहाँ तक दिखेगा, यहाँ तक कुछ चीज़ है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है, विच इज़ लाइक रियली नाइस। यहाँ पे एक लीटर की बॉटल आसानी से आ जाएगी, वो हम अंदर से बात करेंगे। और देखो
गाड़ी में वो पकड़ है, वो मतलब एक मज़ा आता है ना, वो मज़ा आता है। पेंट क्वालिटी वगैरह की बात करोगे आपको अच्छा लगेगा, ये 3M रिफ्लेक्टिंग टेप वगैरह गाड़ी में हर जगह लिखा हुआ है। हमने टायर को जानबूझ के तिरछा किया हुआ है ताकि हमारे जो कैमरामैन है वो अंदर की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या कुछ लगा हुआ है। और देखो यहाँ पे ना पैराबोलिक सस्पेंशन आती है, और ये एक्चुअली इनकी लेंथ बहुत बड़ी है, जिस कारण से अगर आपका 6x4 घोड़ा भी होगा, 4x2 घोड़ा भी होगा, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये जो चीज़ें आपको यहाँ पे बढ़िया दिखने वाली है, और यहाँ पे सारी चीज़ें भारत में बहुत ही नाप तोल के लगाते हैं, अब इनके बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल आपको इस टायर के बारे में बताऊँ तो ये अपोलो का टायर दे रहे हैं। अगर आप किसी भी कंपनी को देख लो तो कोई जेके टायर का टायर दे देता है, कोई MRF के भी देने लगे भाई आजकल तो, जो ब्रिजस्टोन के भी दे देते हैं। अपोलो वाले सबसे बढ़िया, जब भी आप गाड़ी खरीदोगे तो अपोलो वाले ले लेना। ये 295 90 या 20 के व्हील्स है। आप ट्यूबलेस लोगे तो 22.5 वाला रेशियो आएगा, तो 22.5 80R20 के व्हील्स आएंगे। अब आपको ट्यूब पसंद है कि ट्यूबलेस पसंद है वो आपकी कहानी, बट ट्यूब वाले लोगे तो फायदे में रहोगे, ट्यूबलेस का कोई सुधार नहीं, पंचर हाईवे में मिलने वाला है नहीं आपको। बाकी ये जो है ट्यूब वाले टायर हमें फिलहाल यहाँ पे आ रहे हैं। अब अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 12-12 और 2 24 वोल्ट की बैटरी, मतलब 2 12-12 मिला के 24 वोल्ट की बैटरी है, मतलब क्योंकि गाड़ी AC आती है तो 150 Ampere hour पे काम करती है। जनरली हमारी नॉन AC वाली जो गाड़ी होती है वो 120 Ampere hour पे काम करती है, मतलब ये काफ़ी बड़ी बैटरीज हैं। और बैटरीज में भी जैसे अपोलो में टायर बेस्ट आ रहा है फिलहाल, वैसे एमरॉन बहुत अच्छी आया, तो एक्साइड वगैरह नहीं लगा रहे, एमरॉन लगा रहे हैं, विच इज काइंड ऑफ अ थोड़ा सा बढ़िया चीज़ है। अब यहाँ पे आप 51 और 60 लीटर के DEF टैंक ले सकते हो, दोनों का ऑप्शन होता है। जनरली लोग 60 लीटर का ले लेते हैं, 20% का जब आपको रिमेन मिलेगा तो उसके साथ ही आप इसको रिफिल कर लेना, वो एक चीज़ रहेगी। और यहाँ पे आएंगे अब हमारे डीजल टैंक के ऊपर, कोई पॉलीमर का देने की इन्होंने जज्बात नहीं दिखाया कि भाई पॉलीमर का दे दो, ये कर दो वो कर दो, टेलीमेटिक्स लगे हुए हैं यहाँ पे। अब टेलीमेटिक्स का फायदा क्या होता है कि भाई ये आपको दिखा देगा, इनका ट्रक को कनेक्ट करके आता है कि कितना डीजल भरा, कितना गया, कितना माइलेज वगैरह दे रहा, सारी चीज़ें। बट इसकी कहानी है कि आपको यहाँ पे डबल डीजल टैंक तो नहीं मिलता, बट सिंगल डीजल टैंक बहुत बड़ा मिलता है। 430 लीटर और 455 लीटर की कैपेसिटी में आते हैं। अब 430 लीटर और 455 लीटर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, मतलब आप मान लो अगर मैं जनरली 2.5 का भी अगर एवरेज लगा लूँ, वैसे ये गाड़ी जो है वो 3 के आसपास माइलेज देती है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 6 ही चक्के देखने को मिलेंगे। तो अगर आप देखोगे इस तरीके से तो आपको बहुत अच्छी रेंज मिलेगी, 1000+ किलोमीटर की रेंज मिल जाती, विच इज़ फेयर इनफ, डिसेंट इनफ, बट कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये सिंगल रिडक्शन एक्सल है, भारत बेंज का बढ़िया एक्सल है, मतलब कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें क्या है ना, वो आपको कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, अगर जो एक और आपको वहाँ पे एक्सल देखने को मिलेगा या कोई और चीज़ देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये एक अपनी कैसी गाड़ी है, सिर्फ 6 चक्के वाली गाड़ी है, वो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ से कुछ ये कहानी, अब मैं वीडियो बहुत डिटेल में बना रहा हूँ, कारण ये है ना वीडियो बनाने का, क्योंकि आपको इतने डिटेल वाले भारत बेंज के वीडियोस नहीं मिलेंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा मार्केट में, बट ये भारत बेंज वाले नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है वो टर्न इंडिकेटर्स वगैरह पूरे देखने को मिलते हैं, ये बहुत सुंदर लगता है, रात को जलता है। इसी के अंदर सारी चीज़ें हैं, रिफ्लेक्टर है, ब्रेक लाइट है, ये रिफ्लेक्टर है, ब्रेक लाइट है, बैक लाइट है, इंडिकेटर है, सारी चीज़ें यहाँ मिलती, काफ़ी बढ़िया। और ये पूरा पूरा सस्पेंशन देने का श्रेय भारत बेंज को जाता है। अगर हम चेसिस की बात करें और चेसिस की बात करें तो 288 की आती है, मतलब इसकी पूरी की पूरी डेप्थ है वो 288 mm की है, मतलब बहुत ज़्यादा है। 9 mm मोटी चेसिस है, 8.25 mm सुना होगा, 9 mm कहीं नहीं सुना होगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा पूरा का पूरा 9 mm मोटी चेसिस, विच इज़ रियलाइज। ये जो फ्लैंज है, ये आपका जो डेप्थ दिखेगी वो आपको 70 mm की दिखेगी, विच इज़ लाइक काइंड ऑफ अ वेरी डिसेंट फॉर अ काइंड ऑफ, मतलब मुझे इसकी चेसिस थोड़ी कोई काम करना है भाई, ये तो रिजिडिटी देने के लिए है ना। बाकी फिफ्थ व्हील कपलिंग वगैरह इसकी बहुत अच्छी आती है, बाकी आपको यहाँ बड़ा क्राउन दिखेगा। अच्छा, एक चीज़ अगर मेरे कैमरा मैन यहाँ नीचे आकर देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें 308 mm ग्राउंड क्लियरेंस आता है, और ये जो चीज़ है ये सबसे नीचे है इस पूरी गाड़ी के अंदर, मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे तो यही आपको जो है ना पूरा का पूरा सबसे डाउन दिखेगा, मतलब ये ग्राउंड जो है ना वो सबसे डाउन, बाकी पूरी गाड़ी ऊपर है तो ग्राउंड क्लियरेंस की आपको कोई खासी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब एक चीज़ और अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ से हम दिखा देते हैं आपको, इस तरफ से अगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि ये आपको बुशलेस दिखेंगे, आप बुशेस वगैरह दिखेंगे, ग्रीसिंग वगैरह की उतनी टेंशन नहीं है जितनी जनरल लोग लेते हैं। यहाँ हेल्पर कमानियाँ देखने को मिलती है और नीचे की तरफ कमानियाँ। अब यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा नहीं उल्टी कमानी या सीधी कमानी मिले, यहाँ पे आपको नॉर्मली आपको जो है लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलती है। ऊपर की तरफ हेल्पर कमानियों में अगर हम देखने की कोशिश करें तो लगभग 2 इंच का गैप है, मतलब लगभग आप देखोगे तो 2 उंगली का गैप है, 2 इंच का गैप है, विच इज़ लाइक फेयर इनफ, विच इज़ लाइक वेरी डिसेंट, क्योंकि आपको जब इसमें आप इतना काम नहीं करते, मतलब ये अगर आपका 6x4 नहीं है, ये 4x2 है, तो आपको उसमें कोई बहुत सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। एयर प्रेशर टैंक्स वगैरह 10 बार पे काम करते हैं, ये भारत बेंज का ईट्स का सिस्टम है, मतलब एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, इसी में सारा यूज किया जाता है। हालांकि यूरिया टंकी उधर लगी है, ईट्स इधर लगा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें। बाकी अगर हम बात करें पीछे लगी हुई गेयरबॉक्स की, तो 9 स्पीड का गेयरबॉक्स भारत बेंज देता है। अब ये G131 गेयरबॉक्स है। अब G131 से मैं क्या समझता हूँ कि भाई ये इनका बहुत सारी जगह यूज़ हुआ हुआ है। साथ में जो क्लच लगा हुआ है वो 430 mm डाया वाला क्लच लगा है। जनरली आपने देखा होगा OEMs 395 भी यूज़ कर रहे हैं, और सारी कंपनियाँ ये 430 करते हैं, मतलब विच इज़ अ बिग क्लच।
उसकी जो थिकनेस है वो भी बहुत अच्छी है, मतलब ऑर्गेनिक लाइनिंग वाला क्लच है, बहुत ही बढ़िया, 430 mm क्लच काम करता है। ये आपका जो गाड़ी है वो 280 HP वाला गाड़ी है, इसके अगर 300 तो इसमें 1100 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकल के आता है और 280 HP की पावर। अगर आप बात करोगे दूसरी गाड़ी के बारे में, मतलब जो आपकी 320 HP की आती है, वहाँ पर आपको 1250 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, तो वो कहानी है। हालांकि मैंने बताया कि इस में, मतलब अगर आपको लेना है तो फिर वो आप 4x2 में मत लेना, मतलब 4x2 में मत लेना, वो 6x4 में लेना तो आपको बेस्ट बनेगा। बाकी कपलिंग वगैरह तो भाई बढ़िया है ही, और यहाँ पे आप चीज़ देख सकते हो प्रोटेक्शन वगैरह दे रखा है, स्टेपनी वगैरह आप देखो तो इसको और बेहतर माउंट किया सकता है, क्योंकि चोरी वगैरह का कई बार डर होता है। यहाँ पे आप और भी चीज़ें बना सकते हो, कुछ और लंबा बनाए, काउंटर वेट वगैरह डालने, तो वो सारी चीज़ें। और एक चीज़ मैं आपको नोट करूँगा, अगर कैमरा थोड़े से पीछे जाकर दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो यहाँ पे क्या है ना, ये जो कपलिंग है हमारी, ये थोड़ी सी मिडिल में सेंटर प्लेस करी, मतलब यहाँ से पीछे से वहाँ पे उन्होंने एक रैंप बना रखा है। जैसे कई बार इधर आके अगर आप देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे ये पट्टी दे रखी है, जिससे कि कई बार ट्रेलर आ जाता है, टच हो जाता है ना, तो यहाँ पे डैमेज होने का खतरा नहीं है, वो इस पे ही रगड़ खाएगा और उसके बाद सीधे फिफ्थ व्हील पे आके लॉक हो जाएगा, विच इज़ लाइक रियली अ फैंटास्टिक। थोड़ा सा ना इनकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इन्होंने बहुत ही कमाल की कर रखी है। अब जैसे मैं बता दूँ, चाहे इनका आपका वैप को प्रॉपर शाफ्ट हो जाए वो भी लिव फॉर लाइफ है। अब मैं आपको एक छोटी चीज़ दिखाता हूँ, जो कि पहले तो एक बात बताऊँ, यहाँ 5528 लिखा हुआ है, 4x2 लिखा हुआ है, क्योंकि भाई चार ही व्हील अप्स है, उसमें से दो व्हील अप्स में पावर लग रही पीछे वालों में, तो रियर व्हील ड्राइव। अब मैं आपको देख छोटी छोटी चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे की तरफ इन्होंने एक प्रोटेक्शन प्लेट दे रखी है, देखो ये गाड़ी में यहाँ प्रोटेक्शन प्लेट है। इसका फायदा क्या है भाई, नीचे आपका ऑयल चैम्बर सबसे जो डाउन होता है वो आपका पूरा पूरा प्रोटेक्टेड रहेगा ड्राइवर को, उसके बारे में डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस कारण से भारत वैन जो है ना वो काइंड ऑफ स्टैंड आउट करती है। बट यही बात है भाई कि जैसे यहाँ पे आप देखो स्टेयरिंग के हिसाब से आगे पंप वगैरह के पीछे वहाँ देखोगे, और इसके यहाँ घोड़े वोड़े जैसे कमानियों के देखोगे काफ़ी चेसी में फैला रखे हैं, क्योंकि चेसी मोटी वोटी है, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में। तो ओवरऑल कहानी क्या है बाहर से, काफ़ी सारी बातें करने के बाद में वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि गाड़ी खरीदनी है नहीं खरीदनी, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। बट फिलहाल ये कि गाड़ी में जितनी सारी चीज़ें हैं वो हैवी और अल्ट्रा हैवी लगा रखी है, ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि आप जो उतना पैसा स्टार्टिंग में देते हो वो पैसा लॉन्ग रन में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वैल्यू के फॉर्म में वापस आ जाए, क्योंकि जितनी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी है, इंक्लूडिंग इंजन जो कि OM926 इंजन है, 6 सिलेंडर का इंजन है, 280 HP की पावर और 1100 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। अगर आप वो 320 HP वाला इंजन ले लोगे तो 1250 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा और उसमें 320 HP की बेमिसाल ताकत मिलती है। आ जाओ केबिन के अंदर दिखाते हैं, क्योंकि इसमें ये सब तो भाई लोहा हो गया, अब ड्राइवर का कंफर्ट तो अंदर केबिन में ही है। सबसे पहली चीज़ तो आप जब भारत वैन में चलोगे ना तो आपको यहाँ पे एंटी स्किड फुट पैड्स वगैरह देखेंगे। फिर जनरली यहाँ पे क्या होता है ना, लोगों की ये खराब हो जाता है, ये वाली जो चेसी का ये वाला जो पार्ट है ना ये खराब हो जाता है बॉडी का, तो यहाँ पे एक रबर मिलती है बहुत अच्छी, ताकि देखो कितना भी यहाँ पे दिक्कत हो जाए, कितना भी यहाँ पे रफ एंड टफ यूज़ हो जाए, कभी भी इसमें दिक्कत नहीं होगी, विच इज़ लाइक रियली नाइस आई लाइक। और फिर इसकी सीट देखो, यहाँ पे डाउन आप लिखा हुआ है, पूरी एयर सस्पेंडेड सीट है ये देखो आप, यहाँ पे इसको आप क्या कर सकते हो पूरी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, जितना एडजस्टमेंट एक सीट में आ सकता है उतने सारे एडजस्टमेंट आते हैं, और सीट इज़ काइंड ऑफ कंफर्टेबल। अगर आप ऊपर आके देखोगे जब ऊपर आए हुए तो मैं बताऊंगा यहाँ पे और भी चीज़ें लगी हुई हैं। और एक चीज़ और कि इसमें गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल शुरू से आता है, तो यहाँ कैमरामैन आके दिखाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल आप एक्टिव कर सकते हो, ये आपके क्रूज़ कंट्रोल के सारे बटन लगे हैं, लिमिट करना है, ऊपर नीचे करना है, उसको सेट करना है, तो यहाँ से आप चीज़ें कर सकते हो, विच इज़ लाइक रियली कन्वीनियंट, क्योंकि एक बार आपने सेट कर दिया उसके बाद आप जनरली नहीं देखते हो। और एक चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो ये पहली बार आपको भारत में दिखेगा, ये आपको इको और पावर मोड दिखेगा, यहाँ पे इको और पावर मोड ये आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, ये पहले नहीं आता था, ये अभी इन्होंने नया एडिशन डाला हुआ है। बाकी यहाँ पे आपको OBD पोर्ट 2 दिख जाएगा, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी, तो ये आपका लैंप वगैरह है, और यहाँ पे आपको पार्किंग वगैरह की चीज़ें ऊपर के लैंप जलाने के लिए, और यहाँ पे आपकी लाइट हेडलाइट एडजस्टमेंट मिलेंगे। क्लच इज़ अ काइंड ऑफ हेवी फिलहाल, तो हालांकि असिस्टेड है तो बाद में ठीक हो जाएगा वो चीज़ें। बाकी आपको अब मैं ऊपर आके दिखाता हूँ कि क्या कुछ है भारत वैन में और नया। अब स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो शुरू से यही आ रहा है, पसंद है लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो है आपको कभी कंट्रोल्स वगैरह तो नहीं आया स्टीयरिंग व्हील पे, और इनको लगे भी नहीं ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि वो इन्फोटेनमेंट इन्होंने वैसे उस तरीके से नहीं दिया। हालांकि बेसिक म्यूजिक सिस्टम भारत वैन में हमेशा से आया है, और इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह जैसा ऑप्शन जो है ना उन्होंने बाद में देने की कोशिश करी है, और यहाँ पे बढ़िया काम करता है। ऊपर की तरफ थोड़ी बहुत चीज़ें और, जैसे ना पहले हमने देखा टिपर्स वगैरह में यहाँ पे फायर सेफ्टी लगा दिया, और कुछ और लोड सेंसर लगा दिए वहाँ पे, उनकी डिस्प्ले लगा दी, वो चीज़ें। बट अब एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ, उससे पहले बहुत कुछ दिखाऊँ कि भारत में जो चीज़ें आती हैं वो और कंपनियाँ ऐसा फीचर देती हैं और ये ऐसा स्टैंडर्ड देते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कोई भी विंडो खोलने का वो नहीं मिलेगा, वो गोल गोल घुमाने का, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ उसको पैक किया हुआ है। क्यों किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ मिलती है। जी हाँ, आपको अभी शायद ही भारत में किसी और ट्रक में डायरेक्टली पावर विंडोज़ मिलती है, बट यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ मिलती है। यहाँ पे आपको AC मिलता है, और AC भी आपको यहाँ पे ठंडा और यहाँ पे गर्म, मतलब HVAC मिलता है, हीटिंग और वेंटिलेशन दोनों मिलती है, गर्म और ठंडा दोनों करेगा। यहाँ से AC चला सकते हो, और ये हज़ार्ड लैंप के लिए है, ये आपके इंजन कंट्रोल के लिए है भाई, कि अगर डाउन हिल जा रहे हो तो उसके लिए कंट्रोल करने में क्या सिस्टम रहेगा। ये आपकी उधर वाली को पैसेंजर के लिए, मतलब आप कंडक्टर के लिए, देखो यहाँ पे दे रखा है, उससे फायदा क्या, ड्राइवर को भी कभी बंद करनी है तो वो आराम से जो है उसको बंद कर सकता है।
तो वो वाली चीज़ बढ़िया है। बाकी अब यहाँ पे देखोगे तो आपको USB पावर आउटलेट मिल जाएगा, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे AC तो मिलता ही, मतलब प्रॉपर AC मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस मिलता है, मंदिर वगैरह कुछ लगाना सामान वगैरह यहाँ डैशबोर्ड पे मिलता है, वो चीज़ बहुत ही बढ़िया है। हालांकि वहाँ कोई स्टोरेज स्पेस नहीं है, बट ऊपर की तरफ आपको स्टोरेज स्पेस मिलता है। और मैंने बताया ना कि कुछ कंपनियाँ ऐसा फीचर देती हैं, ये स्टैंडर्ड देते हैं कि ड्राइवर स्टेट मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो यहाँ से आपका ड्राइवर जो है सो रहा है, जग रहा है, क्या कर रहा है, टू सारा कर देकर दिखा देगा। और यहाँ से भी वो पूरा मॉनिटर होता है ताकि आई मूवमेंट वगैरह, हेड मूवमेंट वगैरह पूरा मॉनिटर हो जाए। और यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि आपके स्पीकर्स वगैरह यहाँ प्लेस है। तो रीडिंग लैंप्स वगैरह मिलते हैं, तो इन्होंने बीच में कोई लाइट नहीं दे रखी, बट इंडिविजुअल जैसे ड्राइवर को कोई टोल पर्ची देखनी है, गिनना है पैसे, वहाँ कर लो। अगर वो सामने बाजू वाला बंदा है, वो कुछ काम करते जा रहा है, तो ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, केबिन जो है वो आपका वैसा रहने वाला है। और ये चीज़ है, अब ये वाली सीट जो है ना, वो पूरी फ्लैट भी हो जाती है, अगर आप चाहो तो इसको फ्लैट कर सकते हो। बाकी फैब्रिक वगैरह अच्छा है। नीचे की तरफ आपने देखा शुरू से ही भारत बेंज में ये आया हुआ है, मतलब जहाँ पे पैर वगैरह रख सकते हो, ये इंसुलेशन वगैरह बहुत बढ़िया है, चीज़ें अच्छी हैं। और यहाँ पे आपको गियर नॉब वगैरह बहुत ही बढ़िया देखने को जो है वो ओवरऑल मिलता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो एक 24 वोल्ट का आउटलेट मिलेगा आपको, जिससे कि आप जो है वो कहीं ना कहीं अपनी ऑक्सिलरी चला सकते हो, तो 24 वोल्ट से 12 वोल्ट कन्वर्टर और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ओवरऑल जो है चीज़ें यहाँ पे आपको बढ़िया देखेंगे, शुरू से बढ़िया आई है, कोई दिक्कत नहीं है। केबिन में स्पेस की भी कोई शिकायत नहीं करी, ये बर्थ भी आपका ठीक चौड़ा है, लगभग 18 इंची के आसपास की चौड़ाई है। और ये शायद कोई कंपनी नहीं देती, ये भारत में देता है। यहाँ पे पर्दे देते हैं, कर्टेंस देते हैं, कोविड में तो पता नहीं कोविड किट भी दे रहे थे ये लोग, तो ये देते हैं ताकि आपको क्या पीछे अगर सो रहे हो तो लाइट वगैरह ना जाए। जैसे विदेशों में नहीं होता है कि भाई अगर आगे से कोई रोशनी आ रही है तो वो पीछे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि विजिबिलिटी वगैरह तो चलाने में बहुत मज़ा आता है, राजा गाड़ी इसको कह सकते हैं। हैंड ब्रेक थोड़ा ज़रूर अजीब दिया हुआ है, इसको साइड में या डैशबोर्ड वगैरह पे शिफ्ट किया सकता था, बट अब ये जो है वहाँ शिफ्टेड नहीं है, तो एक अलग बात है। बाकी बताया 9 स्पीड का गियर बॉक्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो गियर बॉक्स तो नीचे गियर लेवर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप देखोगे तो लाइट वगैरह के कंट्रोल जो है ना वो यहीं से मिलते हैं, सारे के सारे आपका अपर डिपर यहीं से हो जाता है। बाकी वाइपर वगैरह आप यहाँ से चला सकते हो, तो काफ़ी ये अलग सा सिस्टम है। लेफ्ट हैंड पे मिलता है, हमें जनरली राइट हैंड पे होती है, राइट हैंड पे यहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है, तो वो एक चीज़ जो है आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। और वो सारी चीज़ें, ये FM का एंटेना आया है जहाँ तक मेरा गैस है, अनुमान है वहाँ, लेकिन उसके लिए श्योर नहीं हूँ। और इसके नीचे थोड़ा सा बंक स्टोरेज मिलता है जो कि हम देखेंगे अब। और अब मैं आपको बताता हूँ फाइनली केबिन के बारे में वर्डिक्ट। अब दोस्तों ये जो केबिन है इससे कभी किसी को दिक्कत नहीं आई, बड़ा है, स्पेशियस है, रूमी है, पीछे की तरफ कुछ बॉक्स वगैरह बनवा सकते हो, ऊपर की तरफ भी सामान वगैरह के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें आप अल्टरेशन करवा सकते हो। लंबी दूरी पे चलते हो, सबको पता है, भारत बेंज को भी पता है, तो उन्होंने केबिन उस हिसाब से बनाया हुआ है। और शुरू से भारत बेंज ऐसा नहीं है कि पहले कुछ और आता था, अब कुछ और आता है, शुरू से ऐसा ही आता है। केबिन में बहुत ज़्यादा बदलाव शुरू से हमने नहीं देखे। बेसिक मॉडल भी आता है, ये टॉप मॉडल है, इस कारण से इसमें पावर विंडोज, एयर कंडीशनिंग, LED लाइट्स पीछे की तरफ, LED तो समझ में आती है, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि स्टीयरिंग में बटन वगैरह है, टच स्क्रीन सिस्टम, वो कुछ ऐसी बहुत अति प्रीमियम फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी गाड़ी बढ़िया है, सोने के लिए बर्थ बढ़िया है, बैठने के लिए देखो सीट कितनी ऊंची है, मैं पूरा प्रॉपर बैठा हुआ, हेड रूम, लेग रूम, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया। लंबे दूरी में चलाने में दिक्कत नहीं आएगी, हालांकि मुझे क्लच थोड़ा सा हैवी लगता है, 430 mm वाला क्लच है, तो वो वैसे करके देखने में आपको लगेगा। अब चलते हैं, हम गाड़ी के बारे में फाइनल बातें कर लेते हैं, माइलेज वगैरह क्या देती है, कितना क्या इस गाड़ी के बारे में ऊपर नीचे है। और फिर आपको अगर कोई चीज़ ऐसी लगती है इतने लंबे वीडियो के बाद भी जो मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं बता पाया हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे नीचे बताओ, तो मैं आपको जो है फिर वहाँ से चीज़ें बता दूंगा कि भाई ये चीज़ें और मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो घोड़ा है ओवरऑल वो 280 HP में अब आपको मिलता है, मतलब भाई 6x4 का अगर आपको लेना है, मतलब 6 चक्के वाला लेना है तो 280 मिलता है। बट भारत बेंज ने जब हमें बहुमा में दिखाया पहली बार उनके स्टॉल में, तो एक अलग ही सीरीज लॉन्च कर दी, सत्य महाराज जी जो वहाँ पे उस टाइम थे और राजा राम सर के साथ दोनों को जितने मिलके एक 320 HP की सौगात भारत को दी। तब हमने देखा कि यार 10 चक्के के एक टिपर के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, एक 320 HP का पावर मिल सकता है, तो दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल है। हालांकि इनके पास एक बहुत लंबा ट्राइड और टेस्टेड इंजन है, OM926 जिसके बारे में मैंने बात करी, वो जो पर्टिकुलर इंजन है वही इंजन इन गाड़ियों में है, उसको ही डी ट्यून करके 280 HP से आप स्केल करके 320 HP करा है। अब मेरा ये मानना है कि अगर आप वो 320 HP तक जा रहे हो तो आप 10 चक्के वाला घोड़ा लो, 6 चक्के वाला घोड़ा आपके लिए सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा HP की ज़रूरत है नहीं हमें भारतीय सड़कों के हिसाब से। फिर वो अब अगर आपको 280 HP वाला गाड़ी लेना है, तो अगर आपका कुछ ऐसा है जो आपको रेटेड लोड में चलानी है गाड़ी, मतलब अगर 3 एक्सल के लिफ्ट एक्सल तो भारत में नहीं बनवाता, 51 टन 50 टन में गाड़ी ओवरऑल पास हो जाए, 37 टन 38 टन के आसपास आपका लोड ले जाए, 42 टन भी मान लिया, 55 टन में आपने 3 लिफ्ट एक्सल बनवा लिए एयर वाले और आपने 42 टन में आप अपना लोड लेके जा रहे हो, 42 टन का पेलोड लेके जा रहे हो, उसके लिए ये गाड़ी उन लोगों के लिए बढ़िया है जो उतना प्रीमियम शेल आउट कर सकते हैं, जिनको लग रहा है कि अब हमें एक मूव करना चाहिए, हमें गाड़ी अच्छी चाहिए, वो हमें जो है वो टर्न अराउंड बेटर चाहिए, हमें गाड़ी को और तेज़ चलाना है, हम वो क्वालिटी में अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, या हमें मार्केट में आने वाली सबसे बढ़िया चीज़ चाहिए, सबसे बढ़िया मतलब कि हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए, तो भारत बेंज आपके लिए है। बट
याद रखो हमेशा अच्छी चीज़ें थोड़ी सी प्रीमियम के साथ में आती हैं। ये वाली जो गाड़ी है वो भी आपको लगभग 3 से 4 लाख रुपए महंगी मिलने वाली है आने वाले और हमारे 6 चक्के वाले घोड़ों के कंपैरिजन में। मतलब अगर अशोक लेंड वगैरह की बात करें हम तो वहाँ से तो और भी थोड़ी सी प्रीमियमली प्राइस्ड है। कुछ नेगेटिव्स गाड़ी में डेफिनेटली हैं जिनको सुधारना चाहिए, जैसे कि हेडलैम्प्स में थोड़े और चीज़ें गुंजाइश करनी चाहिए, वहाँ जगह देनी चाहिए वहाँ पे, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें और भी हैं, बट गाड़ी में कुछ ऐसा बड़ा नेगेटिव नहीं है जिस कारण से आप गाड़ी को कम्प्लीटली स्किप करके किसी और OEM के पास चले जाओ। अब बात वही है कि भारत में वो लोग लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक क्वालिटी, वो जर्मन प्रोडक्ट की वो इंजीनियरिंग वो चीज़ समझते हैं। और अच्छी बात ये कि OM926 इंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होता है, तो इंजन इटसेल्फ इज़ लाइक अ लॉन्ग लेगेसी। तो मैंने इसलिए इतनी सारी बातें आपको डिटेल में बताई हैं कि आपको भारत में तब लेना चाहिए जब आप एक वो मूव करना चाहते हो, वो आगे बढ़ना चाहते हो और आपको लग रहा है कि यार नहीं अब हम वो एक प्रीमियम शेल आउट कर सकते हैं, हमारे पास वो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, हमें उसको बहुत अच्छे से और कॉन्फिडेंटली बनाना है। उदाहरण के लिए बताता हूँ कि डिलीवरी कंपनी के पास में वोल्वो के FM420 इतने सारे हैं, उनके पास इतने सारे FM420 लिए हुए हैं। कितने सारे लिए हुए, इसलिए इतने सारे लिए हुए क्योंकि उनको पता है कि ये प्रोडक्ट रिलायबल है, बीच में नहीं धोखा देगा, बस बात वही है। ताकि आप 6 चक्के वाला घोड़ा बिल्कुल ले सकते हो 280 HP में, अगर भारत बंद का है बस प्रीमियम वो शेल आउट कर लेना। बाकी वारंटी की बात करें, माइलेज वगैरह की बात करें, बढ़िया आता है, लगभग 2.90 से लेकर 3.10 का माइलेज आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो लगभग 3+-1.0 का प्लस माइनस आप इसमें समझ सकते हो, तो लगभग मतलब 3 का आपको KMPL का माइलेज आएगा। बाकी गाड़ी की और इंक्वायरीज़ के लिए नीचे मैंने भारत बेंज का टोल फ्री दे रखा है, आप वहाँ एक बार इंक्वायरी डाल दो तो आपको भारत बेंज के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा जो जानकारी वो दे पाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।